हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। 3 जून को कमिश्नरी सभागार वाराणसी में शहरी पथ विक्रेताओं ने संघ की बैठक आयोजित की। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी वालों इस बैठक में मौजूद रहे। इन सबकी मांग है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए ठेला लगाने के लिए, ताकि वे भी अपना जीवन यापन कर सके। तो कौन से ठेला पटी लगाते, क्या व्यवसाय है? 3 महीना से बेटा हम लोग को खाने पीने की दिक्कत है, थोड़ा सुधार हो गया है। आज भी बैठक का क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप लोग प्रस्ताव अपना रखना चाहते हैं? तो कुछ कहा नहीं गया, धीरे धीरे दुकान खुल रही है। तो आर्थिक रूप से आपसे कुछ मदद मिली थी? हाँ, 1,000 रुपया सरकार की तरफ से मिला है, कोई खाने पीने के राशन बताइए मिल रहा है, किसी को खा पी रहा है। तो किसी से कर्ज भी लिया है आपने? कर्ज तो अगल बगल से लिए हैं। कितने कर्ज ले चुके? 30,000 ले चुके हैं। हम लोग को भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, जब ठेला नहीं लग पाता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है, इसलिए हम लोग को सरकार से यही है कि दुकान खोला जाए, परिवार चलाने में। परिवार चलाने आज कमिश्नरी में किस तरह की बैठक है? शहर भर के पथ विक्रेताओं के साथ एक बैठक आदरणीय गौरांग राठी जी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिस संदर्भ में शहर भर के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, पथ विक्रेता हैं, उनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाना था, जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ साथ ग्राहकों को भी अवेयर करने का काम करेंगे। और शहर भर में जो हमें जो हमारी आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं टूट गई हैं, हमारी आर्थिक क्षति हुई है, उसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमको 10,000 रुपये का ऋण मिलना है, जिस ऋण से हम अपने परिवार को, अपनी दुकान को एक सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। अनुदान के रूप में 1,000 रुपये की राहत राशि मिली थी, जिसमें शहर भर के संपूर्ण पटरी व्यवसायियों को तो नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ ही पटरी व्यवसायियों को मिली है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि जो छूटे हुए पटरी व्यवसायी हैं, उनका डेटा तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनके खाते में भी ये पैसा ट्रांसफर कराया जाए। कितने होंगे यहाँ पे ठेला बैठा? आज ये बैठक में तो प्रमुख रूप से 100 की संख्या में उपस्थित हुए हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, क्योंकि शहर भर में इनकी संख्या बड़ी है, जिसमें 24,000-25,000 की इनकी संख्या है। इन लोगों की शिफ्टिंग का काम भी जल्द से जल्द नगर निगम प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। अगर ये नहीं चालू होगा भैया, कुछ दिन के लिए टला जाएगा इस बीमारी से, तो किस तरह की दिक्कत आ सकती है? देखिए, वैसे ही आर्थिक रूप से, चूँकि आर्थिक बहुत कमजोर वर्ग होता है रेड़ी पटरी वाला, और अगर ये व्यवस्थाएँ जल्द से जल्द चालू नहीं की गई तो ये भुखमरी के कागार पे आ जाएंगे और कहीं ना कहीं से ये प्रतिदिन खुद ही मरने का काम करने लगेंगे। हालांकि हम लोगों ने भी बहुत राशन वितरण का काम किया था, ताकि कोई भी भुखमरी के बड़ी संख्या में सबको राशन वितरण नहीं कराया जा सकता। सरकार को सही तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए, जो शायद बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। इस समय सबके खाते में पैसे तभी आज यहाँ इकट्ठे हैं कि आप बस अब उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, अपने सबको मौका मिलना चाहिए। घोषणा, आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज की घोषणा सरकार ने की है, इसमें इनके लिए क्या बताया गया है, वो प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, उसका फायदा होगा सर। तीसरा, जो प्रवासी मजदूर आए हैं निश्चित रूप से, ये वो भी अगर वो अनस्किल्ड है तो वो भी ठेले लेकर इनके बीच में आएंगे, उनका वो स्वागत करें, उनको सहयोग दें, भाईचारे के नाते उनको भी इससे होने का मौका दें। अरे वो शासन की गाइडलाइन आने वाली है जल्दी, आपके सबके खाते नंबर वगैरह सब है, सब हो जाएगा, मिलेगा जो हमारे रजिस्टर्ड हैं, हाँ। पंजीकृत हमारे वो ठेला पटरी के लाभार्थी हैं 3,272, इन लोगों को मिलेगा। तो उनके लिए फार्म कोई ऑनलाइन हो रहा है दीदी कि कैसे? नहीं, फार्म वार्म कुछ नहीं भरना है, हाँ। वो सब हमारे पंजीकृत वेंडर है, उनको मिलना है अपने आप ही। अच्छा, तो कब तक ले मिल सकता है दीदी उनको? मिलेगा जल्दी ही, हो सकता है 10-15 दिन में ही कार्यवाही प्रारंभ हो जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।